बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्रेश टिप्स एंड ट्रिक्स। वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि ऑटोकैड में रेक्टेंगल किस तरीके से बनाएंगे। रेक्टेंगल के थ्री मेथड्स है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिव मेथड नंबर 2, फॉलर मेथड नंबर 3, माउस मेथड। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल का आइकन भी दबाएं ताकि आपसे लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो। बिना टाइम में समझते हैं वीडियो की तरफ। पहला अपना ऑटोकैड ओपन करें, ठीक है दोस्तों। मैं आपको पहला तरीका बताऊंगा। मैंने आपको थ्री टिप्स बताई थी रेक्टेंगल के। एक कोऑर्डिनेटिव मेथड, नंबर 2 फॉलर मेथड, नंबर थ्री माउस मेथड। मैं आपको कोऑर्डिनेटिव मेथड के बारे में आपको बताऊंगा कि कोऑर्डिनेटिव मेथड कैसा होता है, ठीक है। हम आपको इसकी सारी प्रोसेस बताएंगे, लेकिन आपको हमारी रिक्वेस्ट है कि ये हमारी वीडियोस जो आपको मिलती है तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उससे ये फ़ायदा उठाएं। लेकिन चलो मैं आपको कोऑर्डिनेटिव मेथड आपको सिखाएंगे, ठीक है। पहला आप ऐसा करें कि आप एल जो लाइन का जो शॉर्टकट है ये एल है, आप एल पर क्लिक करें और फिर एंटर करें, ठीक है। इसके बाद 2.2, ठीक है। मैंने 2.2 लिया और फिर एंटर किया। एंटर करने के बाद आप हो आप 10.2, फिर एंटर करें, ठीक है। मैंने एंटर करा। इसके बाद आप उसे 10.6 एंटर, ठीक है। फिर आप ऐसा करें, इसके बाद 2.6 एंटर, ठीक है। फिर इसके बाद 2.2, ओके, और फिर एंटर करें। डबल एंटर से आप जेड स्पेस ई स्पेस, ठीक है। ये मैंने आपको कोऑर्डिनेटिव मेथड हमने आपको सिखाया। ये है रेक्टेंगल की एक सूरत, एक स्टेप। दूसरी स्टेप हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। दूसरी जो मेथड है फॉलर मेथड है और इसके बाद माउस मेथड है। तो दोस्तों मैं आपको स्टेप वाइज हम आपको ऑटोकैड की क्लासेस हम आपको अपलोड करेंगे नेट में, और आप इससे फ़ायदा उठाए और दूसरे लोगों से भी शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।